नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराएंगे और उनके अनुभवों के आधार पर करेंगे सलाह मशवरा। आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है मध्य प्रदेश कैडर के 2010 बैच के ऊर्जावान और प्रतिभाशाली आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर विनीत कपूर, जिन्होंने पुलिस ट्रेनिंग, पुलिस रिसर्च और पुलिस सुधार में विशेषज्ञता हासिल की है। साथ ही कम्युनिटी पुलिसिंग और पुलिसिंग में ह्यूमन राइट्स आधारित दृष्टिकोण पर अभूतपूर्व कार्य किए हैं। तो चलिए आज हम उनसे पुलिसिंग में क्या क्या नवाचार हुए हैं उस पर हम सलाह मशवरा करेंगे। नमस्कार डॉक्टर विनीत जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि मैं जानती हूँ कि आपने आईपीएस ऑफिसर तो आप है ही, साथ में आपने बहुत सी डिग्रियाँ भी हासिल की है, उस बारे में भी बहुत सारा डिस्कशन करूंगी मैं, लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी आपके आईपीएस बनने का सफर, वो कैसे शुरू हुआ? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था जी, और शुरू से चूंकि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बैकग्राउंड का सदस्य रहा हूँ तो मन में था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है जी जी। इसलिए मैंने मध्य प्रदेश की पीएससी भी दी और यूपीएससी भी दिया। इंसिडेंटली मध्य प्रदेश पीएससी में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में डीएसपी के रूप में पहले सिलेक्शन हुआ जी जी। तो फिर मैंने इमीडिएटली वो जॉब ज्वाइन कर लिया। इस तरह से फिर अब आईपीएस अच्छा। में अभी डीआईजी के पद पे हूँ। पर मैं जानना चाहूँगी विदिशा, जब आप एसपी रहे तो वो जो फील्ड पोस्टिंग होती है उसमें कैसी चुनौतियाँ आपको देखने को मिली कि जो आपकी जो जर्नी स्टार्ट होती है आईपीएस ऑफिसर की तो उसमें एक कहते हैं एक मील का पत्थर साबित होता है, तो ऐसी कोई बात आप बताइए जब आप विदिशा एसपी रहे हैं। चुनौतियाँ तो फील्ड की पोस्टिंग में अलग अलग ज़िलों में या अलग अलग जो ज्यूरिसडिक्शंस रहते हैं उसमें अलग अलग तरह से रहते हैं। मैंने काफ़ी समय नक्सलाइट पोस्टिंग्स भी की हैं, छत्तीसगढ़ में रहा हूँ, बालाघाट में रहा हूँ, तो नक्सलाइट पोस्टिंग्स में एक अलग टाइप का चुनौती भी रहती है, एडवेंचर भी रहता जी, था जी। और एक रिस्क फैक्टर भी रहता था। और अगर आप विदिशा पोस्टिंग के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया एज एसपी तो जिले में सांप्रदायिक दंगे बहुत हुए थे कुछ महीनों पहले जी जी। और मेरे से मेन एक्सपेक्टेड था कि वहाँ पे जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको विकसित करूँ, तो ये जिम्मेदारी मुझे बड़ी महत्वपूर्ण मेरे लिए थी कि इसमें मुझे किस तरह से समाज में एक सद्भाव का वातावरण विकसित करें और जो दोषी लोग हैं उन्हें दंडित भी करें। मैंने काफ़ी प्रयास किया, जहाँ पे सख्ती करनी है वहाँ पे काफ़ी सख्ती भी की, और जहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग का उपयोग करना पड़े और लोगों के बीच में, समुदायों के बीच में एक आपसी परस्पर मिलाव हो और शहर का वातावरण शांत रहे, उसके लिए भी प्रयास किया। तो जहाँ मैंने सख्ती की, जहाँ पे ज़रूरी था लोगों को, जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए थे गलत काम करने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार भी कराया और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जी जी। और तो उससे लोगों में एक विश्वास भी जागृत हुआ। तो मुझे खुशी है कि 1.5-2 साल में वहाँ की सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल हुई और बड़े बड़े काम हम लोग कर पाए। उसके बाद वहाँ पे आम चुनाव हुआ, उसको भी बहुत सफलतापूर्वक संपादित कर सके। ग्रामीण अंचल में कई तरह की समस्याएं थीं, उनको भी दूर करने में हम लोग सफल रहे जी जी। तो एक अच्छा टीम स्पिरिट के साथ पूरे विभाग को साथ में लेके काम करने का अवसर मिला। तो मतलब विदिशा पोस्टिंग में आप बहुत अच्छे अच्छे काम आप कर पाए। और क्या, महिला हिंसा से जुड़े हुए जो नवाचार थे जिसमें महिला हिंसा की रोकथाम के लिए हमें एक नया प्रयोग किया था, गुलमोहर नाम का, जो जी जी। एक वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर था जहाँ पे सभी तरह की घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं अपनी बात रखने के साथ साथ उनका समग्र समाधान करना, उनके लिए नाइट शेल्टर भी विकसित करना, उनके लिए स्वावलंबन के साधन भी विकसित करना और उनको अंतिम समय तक, जब तक वो हिंसा से बाहर ना निकल जाए, उनको कांस्टेंट सपोर्ट देना जी जी। ये एक योजना प्रारंभ की गई थी और वो बहुत सफल रही थी जी जी। तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो हम लोग कर पाए जी जी। एक बड़ा अच्छा मुझे याद आता है, वहाँ पे हमने एक नया प्रयोग किया था, मैं
सोचता हूँ कि पुलिस को ये और भी जगहों पे करना चाहिए, वो एक था कुशल क्षेम योजना। अच्छा। तो कुशल क्षेम जनरली हम बोलते हैं कि हम हमारे मित्र के यहाँ गए उसका कुशल क्षेम पूछने, ऐसे ही जब कोई बीमार हो जाता है तो हम उसको अस्पताल में पूछने जाते हैं। फिर हमने कुशल क्षेम योजना प्रारंभ की जिसके अंतर्गत जो भी अपराध पीड़ित चोटिल व्यक्ति है वो अगर चोट खा के अस्पताल में भर्ती है तो पुलिस उसकी कुशल क्षेम पूछने जाए। अच्छा। और वहीं पे उसके बयान ले, वहीं पर उसके पूरे जो अपराध की विवेचना है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसको कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी उसकी कार्रवाई पूरी करें। तो हमने कुशल क्षेम योजना के अंतर्गत सभी ऐसे जितने व्यक्ति हैं जिनको अपराध से चोटिल है, अपराध से पीड़ित होकर के अस्पताल में भर्ती हैं, उनका त्वरित न्याय उनके साथ हो, तो उसके साथ ही हमने एक ऊर्जा हेल्प डेस्क का प्रयोजन प्रारंभ किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में 950 थानों से ऊपर में ऊर्जा हेल्प डेस्क चल रहे हैं, जो पीड़ित महिलाओं की प्रथम सुनवाई के लिए एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क है। और ये हमने विदिशा से ही प्रारंभ किया, विदिशा के बाद भोपाल में किया, दो जिलों में करने के बाद जब सफलता लगी तो फिर 12 जिलों में किया, फिर 12 जिलों में जब सफलता लगी तो फिर संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसको मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा स्थापित किया। सर, जैसे आपने कम्युनिटी पुलिसिंग की बात की, तो आपने कम्युनिटी पुलिसिंग में बहुत रिसर्च भी किया है और आप फॉरेन में भी आप उसके रिसर्च फेलो भी रहे हैं, उस बारे में आप बताइए कि कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में आपने कैसे सोचा और उस बारे में आपको ऐसे कब लगा कि इसके बारे में मुझे और स्टडी करने के लिए बाहर जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं जब विदेश पहला बार मेरा चयन हुआ तो वो एक प्रशिक्षक के नाते हुआ था। जी, तो पुलिस में प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए सर्वप्रथम इंग्लैंड में एक कोर्स था जो भारत सरकार की द्वारा संपादित था, तो उसमें उसका कोर्स का नाम था सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एक्सेस टू जस्टिस। तो सुरक्षा और न्याय सुलभता के लिए किस तरह से पुलिस को की क्षमता विकास की जाए, इसके लिए मास्टर ट्रेनर डेवलप करना था, तो वो उसमें मेरा चयन हुआ क्योंकि मेरा लगातार प्रशिक्षण में काफ़ी योगदान रहा है। जी जी। तो उसमें उस समय जब 2000 से 2002 की बात बता रहा हूँ, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग जिसे हम बोलते हैं कि जो व्यवहार प्रशिक्षण है पुलिस का, उस पर काफ़ी जोर होना शुरू हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी जी। भारत में धीरे धीरे ये चीज़ आई, तो उसके शुरुआत के दौर पे हम लोग कुछ पुलिस अफसर थे जिनको इसमें प्रशिक्षित किया गया, तो वो सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग फिर हम लोगों ने आगे बढ़ाई। जब सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग आगे बढ़ा रहे थे तो हमें ये लगा कि जनता के साथ और आम जन के साथ, समुदायों के साथ व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसे बोलते हैं कि पुलिस ट्रस्ट, पुलिस पर जो भरोसा है पब्लिक का, अगर वो नहीं होगा तो पुलिस की जो मान्यता एक प्रजातांत्रिक देश में वो वैसी नहीं रह सकती। तो पुलिस की मान्यता को बढ़ाने के लिए पुलिस को अपने आप को भरोसेमंद सिद्ध करना पड़ेगा, और भरोसेमंद सिद्ध करने के लिए पुलिस का एक तो एथिकल होना जरूरी है, मतलब नैतिक होना जरूरी है, दूसरा उसको समुदाय और व्यक्ति के अधिकारों के बारे में ज्ञात होना चाहिए और उसके अनुरूप आचरण भी होना चाहिए। जी, जी, जी। तो इसके लिए क्षमता विकास हम लोगों ने किया और इसी का शोध भी किया, पीएचडी भी मेरा इसी विषय पे रही, और उसके बाद सामुदायिक पुलिसिंग को कैसे प्रभावी बनाया जाए इसमें मध्य प्रदेश ने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अगर देखें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें, तो जब मैं इंदौर में था तो मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ पर बहुत अच्छे से नगर रक्षा ग्राम रक्षा समितियों का संचालन होता है, और जैसे गणपति जुलूस हैं, मुहर्रम के जुलूस हैं, इनको जब निकाला जाता है तो पुलिस फोर्स कम पड़ता है क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। जी जी। तो पब्लिक के वॉलेंटियर्स आ करके इस पूरी भीड़ की व्यवस्था को देखते हैं, तो वो एक तरह से कम्युनिटी पुलिस वर्कर्स होते हैं। जी जी जी। तो ये कम्युनिटी पुलिस वर्कर्स कई बार दंगे की परिस्थितियों को भी सुधारने में, ठीक करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो मतलब जनता ही अपने आप अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिभागी बन सकती है, और पुलिस भी जनता का ही एक सदस्य, एक प्रजातंत्र के अंदर।
तो इस भावना को दृष्टिगत रखते हुए जब मैंने ये शोध किया तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में छपा भी और इसको काफी महत्व मिला। इसी पर फिर आगे हम लोगों ने और भी काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ, भारत में भी कई जगह कई लोगों ने किया कि महिलाएं अपने आंतरिक घेरों में घिरे रहने के कारण जब उनके ऊपर घरेलू हिंसा होती है तो वो साहस बटोर नहीं पाती पुलिस तक पहुंचने में। जी, जी, जी। तो न्याय की सुलभता नहीं है, एक्सेस टू जस्टिस नहीं है, या किसी भी इंस्टीट्यूशन तक जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर है या कोर्ट है वहां तक पहुंचने में। तो महिलाओं को उनको थोड़ा मजबूत बनाना कि वो अपनी अपनी समस्या अपनी पीड़ा को कह सकें। तो इसलिए इस शोध ने ये बताया कि महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए अन्य महिलाओं का सपोर्ट होना जरूरी है और वो जरूरी नहीं पुलिस वाली हो। तो फिर हम लोगों ने समुदाय के अंदर जाके समुदाय में जो लीडरशिप है जिन महिलाओं की, जो महिलाएं थोड़ा ज़्यादा जैसे कई बार होता है कोई महिलाएं भजन मंडली चलाती हैं, कोई महिलाएं छोटी मोटी दुकानें चलाती हैं, तो उनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, जिनमें मतलब लीडरशिप क्वालिटीज है उनको आपने चूज किया, उनको चूज किया, फिर उनको लीगल एजुकेशन दी, फिर उनको बोला अब अपने मोहल्ले में अगर कहीं कोई घरेलू हिंसा होती है तो आप हमें प्रथम बार सूचित करेंगे और जब तक पुलिस नहीं पहुंचती आप भी इंटरवीन करेंगे। और उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। आज हमें खुशी है कि जो 950 महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क थाने हैं उनके साथ हर थाने में एक शक्ति समिति का संगठन जुड़ा हुआ। ये शक्ति समिति आम महिलाओं की समिति है। ये सामुदायिक पुलिसिंग का ही परिणाम है कि अपराध रोकथाम में और सांप्रदायिक हिंसा या जलसे जुलूस या भीड़ नियंत्रण में भी ये लोग तो मतलब ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग है ये इन सब जैसे कहते हैं समाज में शांति कायम रखने का एक सबसे अच्छा जरिया है। हाँ। और इसको आपने कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए हासिल करने की कोशिश की है। तो पुलिस में भी जनता को सहभागी होना चाहिए, जनता को महसूस होना चाहिए, इससे क्या एम्पावरमेंट होता है कि मेरी सुरक्षा मेरी भी जिम्मेदारी और मैं पुलिस से वन टू वन एंगेज हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो पुलिस अपना उत्तरदायित्व तो बढ़ाती है इससे। तो ये विन विन सिचुएशन है, पुलिस का उत्तरदायित्व तो बढ़ रहा है तो जनता की सेवा बेहतर हो रही है और जनता का अधिकार पुलिस के ऊपर बढ़ रहा है तो जनता के लिए न्याय सुलभता बढ़ रही है। जी, तो सर आपने बहुत अच्छा काम किया कम्युनिटी पुलिसिंग में, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर।
सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और सर अब मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी वर्क किया है और साथ में आपने पुलिस रिफॉर्म पे भी वर्क किया है, तो इस बारे में आप बताइए कि ये किस तरीके से आपने इसको शुरू किया और क्या क्या काम किया है आपने पुलिस रिफॉर्म पे जो है और पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी जुड़ा हुआ काम है। पर जब इसमें आया तो मुझे लगा समाज का एक बहुत ही बड़ा पहलू और बहुत ही डिफरेंट पहलू जो आम जन नहीं देख पाते वो पुलिस वाले को देखने को मिलता है। जी जी। तो मेरा जो एक तरह से सामाजिक व्यवस्था को समझने का दायरा था वो मैं इतना खुश हुआ कि वो तो बहुत विशाल हो गया, बिकॉज आपको समाज का इतना सारा स्वरूप देखने को मिल रहा जो आप आम जीवन में देख ही नहीं सकते। अलग अलग तरह के अपराध हो रहे हैं अलग अलग ज़िलों में, कभी ग्रामीण में, कभी शहर में, कभी नक्सलाइट में, कभी सामाजिक अपराध हैं, कभी कम्युनिटी बेस्ड वायलेंस है, कभी कॉन्फ्लिक्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि पर साथ में ये भी लगा कि पुलिस बहुत काम कर रही है, पर उसी के साथ साथ ये था कि पुलिस के प्रति आम जन में आस्था कम है। जबकि मैं जब पुलिस वालों के साथ बैठता था तो मैं देखता था बहुत कमिटेड होके और बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पर जब मैं सोशल साइंटिस्ट के पास या स्कॉलर्स के साथ बैठता था तो मुझे मेरे पढ़ने में कई चीज़ें आती थी तो उसमें आता था पुलिस इसमें भी कमी है, इसमें भी कमी है, पुलिस मानवाधिकार का हनन करती है, पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो ये जो गैप है, पुलिस मेहनत भी कर रही है परंतु आस्था बटोर नहीं पा रही। जी जी जी। और जनता जो है सुरक्षा प्रदान करने वाली एजेंसी का लाभ तो ले रही है परंतु खुश नहीं। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये गैप मुझे दिखा। फिर चूंकि मैं फॉरेन एक्सपोजर भी मेरा काफी था, जो वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास वहाँ पे जाके मुझे काम करने का मौका मिला, जैसे ब्रिटिश पुलिस को देखने का मौका मिला, यूरोप की पुलिस को देखने का मौका मिला, यूएन में रहा तो यूएन की पुलिसिंग सिस्टम्स को देखने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि पुलिसिंग के जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स हैं, वो काफ़ी हाई हैं, परंतु वो बहुत सारे जो है वो वेस्टर्न सोसाइटीज़ के हिसाब से भी बने हुए हैं, पर कुछ यूनिवर्सल भी हैं जो सब जगह लागू होते हैं। इंडियन सोसाइटी की अपनी कई जटिलताएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर पुलिसिंग करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। जी जी। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए मुझे लगा कि इंडियन पुलिस पे शोध होना बहुत जरूरी है। जी जी जी। क्योंकि मैं जितनी किताबें पढ़ता था, जितना शोध पढ़ता था, सब ब्रिटिश या यूएस बेस्ड पुलिस पर ही शोध था। इंडियन सिस्टम को समझना और उसकी चुनौतियों को समझना और उसकी पुलिसिंग के कॉन्ट्रीब्यूशन को समझना जी। का कोई कहीं पे कोई क्रेडिट था ही नहीं, कहीं कोई अलग से रिसर्च बेस था ही नहीं। तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखी और फिर इस पे काम करा। और इस तरह के बहुत सारे दूसरे भी पहलू थे, जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग का ही मैं बता रहा हूँ कि सांप्रदायिक समस्याओं को, सौहार्द को बढ़ाने में जो काम सामुदायिक पुलिसिंग के नगर रक्षा ग्राम रक्षा समितियाँ कर रही हैं उसको भी किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया। तो वो सब चीज़ों को करने में मुझे थोड़ा लगा। इसके अलावा गैप एनालिसिस किया। जी जी। तो मैंने जब यूके में था तो मैंने ट्रेनिंग नीड एनालिसिस पे एक स्पेशलाइज्ड कोर्स किया। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस ये बताती है कि प्रशिक्षण की कहाँ पे आवश्यकता है और किस विषय पे या किस स्किल के लिए प्रशिक्षण होना चाहिए। जी जी। अभी तक क्या होता था कि हमने ये सोचा कि हाँ ये इस पर प्रशिक्षण कर लो तो उस पर कर लो, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं था। जी जी। तो हम तो ये वाले जब शिक्षा मुझे मिली कि ये कैसे ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, वो भी एक तरह का रिसर्च वर्क होता है, उसको करके फिर ट्रेनिंग की नीड देखी जाए, फिर इसका समायोजन किया जाए प्रशिक्षण क्षमता विकास में। जी जी। तो उसका फिर मैंने बहुत उपयोग किया। मध्य प्रदेश के जितने प्रशिक्षण के सिलेबस हैं, चाहे वो आरक्षक के हों, सब इंस्पेक्टर के हों और DSP के हों, उन सबको हमने ट्रेनिंग नीड एनालिसिस की शोध प्रक्रिया के माध्यम से जाना कि गैप क्या है और उसको हम लोगों ने तुरंत चेंज कर दिया। जी जी जी। ये पूरा मध्य प्रदेश पुलिस की लीडरशिप का भी कमाल था। अभी हम लोगों ने देखा कि सब लोगों की ट्रेनिंग पे तो ध्यान दिया जा रहा है
आईपीएस की ट्रेनिंग पे दिया जा रहा है, डीएसपी की ट्रेनिंग, पर कांस्टेबल की ट्रेनिंग पे देख नहीं रहे कोई जाना, जबकि कांस्टेबल बेस ऑफ द पिरामिड है, सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में वो है, आम जनता से कांस्टेबल मिलता है। तो जब हम उसको प्रशिक्षित ही नहीं ठीक से करेंगे तो हम कैसे। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने आरक्षकों के प्रशिक्षण पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो इस तरह की कई चीजें हम लोगों ने की और उसका बहुत अच्छे परिणाम आए। फॉर एग्जाम्पल 2014 में जब CCTNS आया और पूरा का पूरा सिस्टम पुलिस का कंप्यूटर पे आ गया, तो मध्य प्रदेश पुलिस में जो 2012, 13, 14 में ट्रेन नवयुवक कांस्टेबल्स थे, उन्होंने इस कंप्यूटर एजुकेशन का लाभ विभाग को ऐसे दिया कि हर थाने में अब हमारे पास ऐसे व्यक्ति मौजूद थे जो इस टेक्निकल चेंज को तुरंत स्वीकार कर लें और उस पे काम करना शुरू कर दें। इसीलिए सर हम देखते हैं कि जब FIR जो आजकल ऑनलाइन लिखी जाती है, तो जब ये ट्रेनिंग किए हुए जो कांस्टेबल साहब, तभी ये चीज संभव हो पाई। नहीं तो मैं ये बता रहा हूँ 2016-17 तक मध्य प्रदेश इंडिया के टॉप 5 राज्यों में आ गया जहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन पुलिस सबसे अच्छा था। जी जी जी। जबकि विडंबना ये है कि मध्य प्रदेश का एजुकेशनल स्टैंडर्ड ओवरऑल साउथ की स्टेट से कमतर था, टेक्निकल एजुकेशन में भी मध्य प्रदेश कमतर था, परंतु पुलिस में टेक्निकल एप्लीकेशन का उपयोग बेहतर था। इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने ट्रेनिंग को, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को शोध करके चेंज कर दिया, और वो 2010-12 में चेंज कर चुकी थी, जिसका परिणाम 2015-16 में मिलना शुरू हुआ। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह की कई और भी चीजें हैं जो हमें देखने को। तो सर अब मैं जानना चाहूंगी कि आप जब मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट लागू हुई, उस समय आपको भोपाल कमिश्नरेट में DCP बनने का मौका मिला, कि उस समय शायद एक चुनौती भरा समय होगा जब आपने एज अ DCP ज्वाइन किया होगा, तो वो थोड़ा सा दौर आप बताइए कि क्या क्या नवाचार आपने उस समय करने की कोशिश की। जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जब कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ वो एकदम अचानक हुआ था। जी जी जी। तो अधिकारियों को ये बहुत था कि ये सफल हो और अच्छे से लागू हो पाए। समय जो कमिश्नर साहब थे देवस्कर साहब, उनका भी ये बहुत इच्छा थी कि इसको हम प्रभावी रूप से नए स्ट्रक्चर में फॉलो करें, और मुझे बोला गया कि आप इसमें अपना योगदान दें। मुझे अच्छा लगा कि जिम्मेदारी दी गई है और हेडक्वार्टर की पोस्ट दी गई थी मुझे। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि हेडक्वार्टर की पोस्ट है तो इसमें खाली ऑफिस का काम होगा और फील्ड का वर्क नहीं होगा, पर मैंने उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखा कि आप संस्था के उन्नयन और स्थापन में अपना योगदान दे सकते हैं। बिकॉज क्या था, मान लीजिए उस समय जब कमिश्नरेट आया तब भोपाल में ही केवल 12 IPS अफसर एक साथ एक जिले में पोस्ट हो गए, तो इतने सारे ऑफिस नए बनने, इतने सारी व्यवस्थाएं नहीं होने, उनके ऑफिस की कार्यप्रणाली है उसको लागू करना, उसके अलावा बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस डेवलप हुए। जी जी। जैसे ट्रैफिक एक पृथक स्पेशलाइजेशन के रूप में आया, पहले कुछ अधिकारियों को दे दिया जाता था पर अब बहुत सीनियर लेवल पे दिया जाने लगा। महिला सुरक्षा एक स्पेशलाइज्ड वर्क हो गया, बाल सुरक्षा एक स्पेशलाइज्ड वर्क हो गया, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और ई ऑफिस लाना जो है मतलब पेपरलेस ऑफिस डेवलप करना, और पुलिस के पास मैजिस्टेरियल पावर्स आई तो उनके कोर्ट्स निर्मित करना, ये सारी चीज़ें एक साथ फिर मतलब पहले बजट नहीं था, अब एकदम बजट आ गया तो उसको आप किस तरह से जुडिशली खर्च करें ताकि जनता का जो पैसा है उसका सदुपयोग आम जन के सुरक्षा और न्याय सुलभता में हो सके, कर्मचारियों का वेलफेयर बेहतर हो जी। इसके साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग को भी एक नया रूप देने की कोशिश की, तो उसमें मैंने ज़रूर कुछ नवाचार ऐसे किए, जैसे एक सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जो एडोलिसेंट बालिकाओं का मतलब टीनेज गर्ल्स के लिए था जो स्लम्स में रहती हैं। स्लम्स में आमतौर पर ये देखा गया कि बालिकाओं पर हिंसा, बाल विवाह, घर से भाग जाने की परिस्थितियाँ बहुत बड़ी मात्रा में था, इसमें बालिकाओं का सशक्तिकरण करना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोगों ने उनके कैंप्स लगाए और उनको प्रशिक्षित किया, ना केवल सेल्फ डिफेंस में
परंतु उनको राइट्स एजुकेशन, लीगल एजुकेशन, ताकि और न्याय सुलभता, ताकि वो पुलिस से डायरेक्टली एंगेज हो सके, डायल 100 को डायरेक्टली फ़ोन करके अपनी बात कह सके। जी। उसी के साथ जुड़ा हुआ था पुलिस दीदी योजना, जिसमें पुलिस महिला पुलिस कर्मचारी जिस भी थाने में उसके आसपास की सारी बच्चियां या बालिकाएं महिलाएं उसको अपनी पुलिस दीदी माने और उससे न्याय सुलभता के हिसाब से उससे संपर्क में रहें, और इसका बहुत हमें लाभ मिला। अभी हमने देखा 2023 का अगर हम आंकड़ा देखें तो मध्य भोपाल में काफ़ी बड़ी संख्या में महिला अपराध में कमी आई एज कम्पेयर टू नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि महिलाओं ने एक तो अपने आप को थोड़ा, लड़कियों ने अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस किया, पुलिस ने त्वरित एक्शन लेना शुरू किया, और पुलिस ने त्वरित एक्शन इसलिए लिया क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग के आधार पे ये बालिकाओं ने पुलिस से एंगेज करना शुरू कर दिया, अपनी डिमांड करने लग गए कि नहीं आप पहुंचिए, और पुलिस का उत्तरदायित्व बढ़ा। एक आशा अभियान चलाया था जिसके अंतर्गत, या अभी भी चल रहा है वो, जिसके अंतर्गत जो एक हमारी अवधारणा थी कि शहर में कहीं पर भी कोई भी मानसिक रूप से आघात पहुंची हुई महिला को होमलेस नहीं रहे, क्योंकि उसका यौन शोषण, दूसरी तरह का शोषण और मानव गरिमा के लिए ये उपयुक्त नहीं है। तो हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पे ऐसी महिलाओं को रेस्क्यू किया, एनजीओस की मदद ली। महिला और बाल सुरक्षा के अंतर्गत हमने ये भी देखा कि महिला सुरक्षा खाली महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, तो युवा बालकों को, किशोर बालकों को हमने प्रेरित किया कि भाई आपको महिलाओं की इज्जत करना आना चाहिए, महिलाओं का के समानता के अधिकारों के बारे में उनको बताया। जब आप फॉरेन की भी पुलिसिंग आपने देखी है, यूएन पुलिसिंग भी आपने देखी है, और हमारे देश की पुलिसिंग और साथ में मध्य प्रदेश की पुलिसिंग, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप कि हम कहाँ बेहतर है और फॉरेन की पुलिस कहाँ बेहतर है, और हमें क्या सीखना चाहिए उनसे? पूरा जो सामाजिक जीवन है किसी भी क्षेत्र में हो, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, सबका परिवेश अलग होता है, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं। उसी तरह से सामाजिक रूप से हर देश की, हर संस्कृति की परिस्थिति अलग है। तो कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है कि ये बेहतर है या वो बेहतर है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कई चीज़ों में, क्योंकि मुझे एक्सपोजर मिला कि कई चीज़ों में निश्चित रूप से जहाँ पे ज़्यादा व्यवस्थाएं बेहतर रही हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, वहाँ पे सिस्टम्स कई चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, पर कई चीज़ों में हमारे देश में, क्योंकि हमारा समाज बहुत जटिल है और एक उपनिवेश से गुजरा हुआ, औपनिवेशिक त्रासदी को झेला हुआ देश है, और साथ में सामाजिक रूप से बहुत सारे विषमताएं, जटिलताएं समाज में, जैसे कास्ट का है या धर्म संस्कृति में विभिन्नता है, तो बहुत सारा भिन्नता का देश है। तो इसमें पुलिसिंग करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और अलग अलग सामाजिक मान्यताएं हैं, परंतु मेरा ये भी एक्सपोजर रहा कि भारत का संविधान बहुत ही प्रगतिशील संविधान है और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता को बहुत ध्यान देता है, और भारत का कानून भी उस पर चलता है। तो मैंने ये पाया कि भारत की पुलिस इस ओर अच्छा काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है। इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण जॉर्ज फ्लॉयड की जब डेथ हुई यूएस में, तो वो क्यों हुई थी? क्योंकि एक श्वेत पुलिसकर्मी ने एक अश्वेत व्यक्ति को इतनी जोर से उसके गले की नस दबाई कि उसकी डेथ हो गई। उसके बाद वहाँ पे, और उससे पहले भी एक कैंपेन चली कि ब्लैक लाइव्स मैटर, कि अश्वेत लोगों का भी जीवन है और पुलिस उनके ऊपर आताताई के रूप में कार्य कर रही है। तो अगर हम ये सोचें, और फिर बोला कि हमें पुलिस ही नहीं चाहिए, भारत में तो उल्टा हो रहा था, हर जगह ये धरने हो रहे हैं कि हमारे यहाँ भी थाना खोलो, हमारे यहाँ भी चौकी खोलो, और वहाँ पे ये बोल रहे हमें ऐसी पुलिस चाहिए नहीं, इसलिए पुलिस के बगैर ही हम काम चलाएंगे। यूएसए में उस समय ये चल रहा था। तो कई मायनों में अगर हम देखें तो सामाजिक समरसता, मानव अधिकारों की रक्षा, लोगों के ऊपर हिंसा से रक्षा के लिए पुलिस ने बहुत सारे अच्छे काम किए भारत में, जबकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी जटिलताएं, फिर भी लगातार पुलिस अच्छा काम, हाँ कमियां भी रही हैं, पर वो कमियां
अगर हम समग्र रूप से देखें तो पुलिस ने बहुत मेहनत करके आगे बढ़ी है। आप देखिए भारत का जो प्रजातंत्र है, 1950 के दशक में काफ़ी देश स्वतंत्र हुए और बहुत सारे देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं आईं, पर 1990 तक 80-90 तक अधिकतर देश प्रजातंत्र नहीं रह पाए क्योंकि वो लोग अपने इलेक्शन ही ठीक से नहीं करा पाते। जबकि भारत में आप देखेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन या निष्पक्ष चुनाव कराना लगातार पुलिस उसमें बहुत बड़ा योगदान देती आई। तो मुझे कई बार जब मैं विदेश जाता हूँ देखता हूँ कई चीज़ों में मुझे लगता है कि मेरे देश की पुलिस बहुत मेहनत करती है, बहुत सारे मल्टीटास्किंग करती है और बहुत ज़्यादा समय देती है। 12 से 15 घंटे तक हमारे कर्मचारी काम करते हैं, लगातार प्रतिदिन काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं। वैसी स्थिति में दूसरे देशों में कम देखता हूँ इतना कमिटमेंट के साथ काम करते हुए। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो आपकी वर्तमान जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर है आप DGP मध्य प्रदेश के, इतना सब आपने घूमने के बाद, इतनी फील्ड पोस्टिंग के बाद आज आपको एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण जगह पर आप काम कर रहे हैं, तो कैसा आप, किस तरीके का काम आपके पास है और कैसे आप इसे? देखिए मेरे पास अभी वर्तमान में दो तरह के कार्य हैं। एक तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर टू DG हूँ, मतलब उसमें ये है कि DG जो पुलिस के मुखिया हैं मध्य प्रदेश के, उनके विशेष अभियान हैं, कार्यालय हैं, उनके अंतर्गत जो स्टाफ है उसको एक लीडरशिप देना और साथ जो DGP के निर्देश पर विशेष रूप से संचालित कार्रवाइयों को संपादित करना और उनको उनके कार्य में मदद देना। और साथ में मेरे पास DIG कम्युनिटी पुलिसिंग का चार्ज है, जो पूरे प्रदेश में कम्युनिटी पुलिस योजनाओं को प्रभावी बनाना। जो अनुभव आपको रहा है इतना लंबा, लगभग 30 साल हो गए मुझे काम करते हुए, तो उस अनुभव का लाभ मिलता है और अपना योगदान देने को मिलता है। कुछ नवाचार पुलिस के वेलफेयर के लिए करे हैं जिसमें पुलिस के कर्मचारियों के बच्चों के लिए, पुलिस के कर्मचारियों के परिवारों की समृद्धि के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए और उनके हेल्थ के लिए कई चीज़ें ऐसी की हैं जो DG सर की इच्छा है कि वो और बेहतर हो। साथ में सामुदायिक पुलिसिंग के भी क्षेत्र में बहुत सारे काम चल रहे हैं और पुलिस के जो सामान्य प्रशासन है पुलिस का, उसको और बेहतर बनाने का प्रयास हो रहा है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने जो भी रिसर्च किया है पुलिसिंग में उसके बारे में आज आपने हमें विस्तार से बताया, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि आप हमारे इस कार्यक्रम में फिर से आए और हम आपके साथ फिर से एक और कार्यक्रम करें। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।